कोरोना काल में किसी तरह खींच खांच कर स्कूल चले, बच्चों ने भी किसी तरह पढ़ाई कर ली, पर नए साल में भी कोरोना गया नहीं है और अब परीक्षाएं भी होनी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के फिर बढ़ते मामले खतरे का संकेत हैं। इधर पेरेंट्स और स्कूल फिर आमने सामने आ गए हैं। फीस पर फसाद से 8-9 महीने लड़ने के बाद अब लड़ाई इस बात पर आ गई है कि एग्जाम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन। मार्च से लेकर के और लगभग 9-10 महीने जो है पूरी की पूरी ऑनलाइन जो है स्कूलों ने जो एजुकेशन दी है, और क्योंकि इतना छोटे से वक्फे के अंदर अगर आप जो है, क्योंकि आपने पूरा ऑनलाइन जो है एजुकेशन दी है, इस बीच में ऑनलाइन आपने एग्ज़ाम्स लिए हैं। अभी हालत ये है कि चाइना के जो वायरस के अलावा साउथ अफ्रीका का, जर्मनी का और यूके का 3 तरीके के स्ट्रेन और आ चुके हैं, यानी 4 तरीके के स्ट्रेन हैं। उस जगहों पे इनका कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो जब इतनी खतरनाक स्थिति है तो उसके बाद में इस वक्त में जो है ऑफलाइन लेने का क्या मतलब है, पर्टिकुलरली तब जबकि हम कई स्कूलों में हमने विजिट किया है तो वहाँ मालूम हुआ कि SOP का तो कहीं पालना ही नहीं, और उसकी बड़े खुलेआम धज्जियां बखेर रहे हैं, और उसके बाद में अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, क्योंकि अगर आज एक कोई भी हो जाता है, एक बच्चा या उसके फैमिली हो जाती है, तो इसका मतलब 1,00,000 रुपये पर डे का ऑन एन एवरेज जो एक हॉस्पिटल का खर्चा है वो कौन बियर करेगा। आज जब आदमी के पास में खाने के लिए नहीं है, फीस का पैसा नहीं है, तो फिर ये जो है ये एडिशनल एक खर्चा ये किसकी जिम्मेदारी होगी। सुशील जी, जैसा कि मैंने कहा पूर्व में भी मेरी आपसे कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई है और मैंने ये सवाल तब भी आपसे पूछा था, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ। बच्चा तो घर में भी खतरे में है, आप बाहर निकलते हैं, मैं बाहर निकलता हूँ। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट बच्चा अगर घर में है तो पेरेंट्स जो अगर घर में आएंगे उनसे एक फैलने का खतरा है, लेकिन अगर फैमिली के सभी लोग बाहर निकल आएंगे तो फिर कैसे होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, जब हम बाहर जाते हैं तो हम पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं। अभी हम पूरा हमारे टाइम हर वक्त जो है हमारे मुंह पर मास्क लगा होता है, हम ये ध्यान रखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो छोटा बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ता है वो इन चीज़ों को समझता है। वो तो बड़े आराम से, क्योंकि हम इतने टाइम तो उनको ये समझाते थे कि आप जो है बच्चों के साथ खेलो कूदो, बिल्कुल अलूफ मत रहो, अलग मत रहो, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, और आज हम उनको सिखा रहे कि सब दोस्तों से अलग हो जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। और आप उनके बच्चों के IQ लेवल के हिसाब से समझिए, बच्चों की साइकोलॉजी